Good morning, guys. I think you are safe enough. Today we are here with the most important topic in control system, that is Routh or its criteria. What do you mean by Routh or its criteria? What are its objectives? The key point we discuss in this topic. So we will start with our topic with why we are to determine the loop system stability without obtaining all the characteristic equation. बिना उसके रूट सॉल्व किए तब हम ये क्राइटेरिया राउथ हॉरिट्स का हम करते हैं. इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम. ये डिटरमाइन कर एब्सोल्यूट सिस्टम की कोई सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल है तो हम इस क्राइटेरिया से हम उसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. एब्सोल्यूट मींस वो स्टेबिलिटी होती है जो पूरी जिसमें सारे के सारे प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कहते हैं. अगर सारे के सारे पोल प्लेन में लाई कर उसको एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कहते हैं. इसके बाद व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन द राउथ क्राइटेरिया वी विल डिस्कस. नंबर फर्स्ट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, द एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैव द सेम साइन, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द that is all the elements first column Routh array same sign means सारे के सारे के जो साइन होने चाहिए वो एक जैसे होने चाहिए. ये इसकी पहली कंडीशन डिटरमाइन करती है. अब दूसरी कंडीशन पे अगर हम चले कंडीशन कहती है if there are If there are sign changes, then system is unstable. अब कभी भी सिस्टम में साइन चेंजेस होते हैं तो हम सिस्टम को क्या कहेंगे? And the number of changes, it is the number of closed loop poles in the right side of SP. जितने भी अगर साइन चेंज हो रहे हैं, अगर कोई भी साइन चेंज हो रहे हैं सिस्टम में, वो डिनोट करते हैं कि number of loop poles right half of the ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है राउथ. पॉइंट पे अगर हम चले तीसरा पॉइंट है नन ऑफिशियल वैनिशेस, दैट इज ऑल पावर ऑफ एस्ट मस्ट बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम जीरो. कोई भी एंड क्या नहीं वैनिशेस, वैनिशेस मतलब होता है एलिमिनेट नहीं होना, फिर डिस्ट्रॉय नहीं होना. जितने कोएफिशिएंट्स हैं चाहे वो स्टार्टिंग उसका एल हो या फिर स्टार्टिंग एस थ्री से हो एस, ये सब क्या होने चाहिए डिसेंडिंग होने चाहिए. मतलब अगर एस फोर से कोएफिशिएंट स्टार्ट हो रहा है फिर उसके बाद आना चाहिए एस थ्री, फिर आना चाहिए एस टू, फिर आना चाहिए एस वन, फिर आना चाहिए एस जीरो. सेम वे अगर कोएफिशिएंट स्टार्ट हो रहा है एस फाइव से, फर्स्ट आएगा एस फाइव, फिर आएगा एस फोर, एस थ्री, एस टू, एस वन, जीरो, सारे कोफिशियंट वैनिश नहीं होने चाहिए और हाईएस्ट पावर सेंडिंग ऑर्डर में डिनोट होने चाहिए, हाईएस्ट पावर लोएस्ट तरफ. तो ये तीन क्राइटेरिया हैं जो इसी को डिटरमाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. अब हम इसमें डिस्कस करते हैं दैट्स सो कैपेबल विद दी सॉर्ट ऑप्शंस. न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं. न्यूमेरिकल है QS इक्वल टू S4 प्लस 8S क्यूब प्लस 18S स्क्वायर प्लस 16S प्लस 5 इक्वल टू 0. चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, दैट इज डिटरमाइन वेदर इट इज स्टेबल अनस्टेबल. हमें ये न्यूमेरिकल दिया है, हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है कि ये सिस्टम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिनली स्टेबल होगा.
So we'll discuss S equal to here QS equal to S4 plus 8S cube plus 18S square plus 16S plus 5. First of all, we check the parameters one by one. Here, first parameter, check the sign of each terms. Here it is, sign are, all the signs are positive. Now second, check whether the coefficient are on the descending order or not. Here all the coefficient are non-zero and positive, hence condition satisfied. Means the coefficient start from S to the power 4, S cube, S square, S and then S0. Matlab they are decreasing in order. I have discussed in earlier slide that is, if the coefficient decrease S4, S3, S2, S1, these are the conditions for to determine the stability of the system. अब इसके बाद इसको solve करने का कौन कौन से method है, कौन कौन से trilogy है, कौन कौन से वो हम discuss करते हैं. तो सबसे पहले हमने लिखा इसमें S4. Here we write S4, then we write S3, then we write S square, then we write S1. Okay. Here coefficient of S4 is 1, coefficient of S cube is 8, coefficient of S square is 18, coefficient of S is 16, and coefficient of S to the power 0 is 5. So we write 4, 3, 2, 1, 0. Means 1, here coefficient 8, then 18, then 16, then 5. Order should be like this, 4, 3, 2, 1, 0. So it should be in this order. ठीक है, इसके बाद क्या करने अपन लोग क्या कर लेंगे, s square निकालेंगे. s square निकालने का तरीका क्या है, 8 multiply by 18 और 18 multiply by 8 minus this 16 got multiply this 1 minus 1 multiply by 16 और 16 multiply by 1 upon the denominator where we started, मतलब जहाँ से हमने शुरुआत की थी वो denominator में आएगा. तो अगर इसको multiply करेंगे 8 into 18 minus 1 into 16 divided by 18, तो इसको further solution करके जो हमें answer मिलता है वो मिलता है 16. In the same way this term ये वाला term तो हमारा हो गया. अब हम कौन से वाले term पे आएंगे, इस वाले पे. इसमें देखिए आप 8 multiply by 5, 0 multiply by 1 start कहाँ से हुआ, 8 upon 8. इसको solve करेंगे तो 8 5 जब 40 minus 0 divided by 8 equal to 5. तो ये हमारे आए 8, 16, 0, 5, फिर अगेन 16 multiply by this 16, 8 multiply by 5 upon 16, so ये is come 13.5 S1, so last terms is 13.15. Now we compare with this term, what we got, what we obtain in first column is S की पावर 4 1, S क्यूब 8, S स्क्वायर 16, S 1 13.5. इफ यू कंपेयर दिस प्रीवियस स्लाइड, हियर इज S की पावर 4 1, S की पावर 4 1, S क्यूब 8 एंड देन S स्क्वायर 16 एंड S 13.5. सो वी हैव कैलकुलेटेड ऑन दिस सॉर्ट ऑफ चार्ट. So this S power 4 1, S की power 3 8, S की power 16, S की power 13.5. So हम इसके बाद चेक करते हैं first column. Routh Horitz criteria में हम stability determine करने के लिए first column को चेक करते हैं. तो हम first column को हमने इस black dotted line से हमने denote किया. तो first column में आप देखेंगे, इससे हम क्या analysis कर सकते हैं, आप देखेंगे first column में कि देखेंगे कि number of sign changes in first column. फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज हो रहा है, मतलब कोई पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस आपको दिख रहे हैं? आंसर इज नो, देयर इज नो साइन चेंजेस. मींस पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, देयर इज नो साइन चेंजेस. दैट्स व्हाई हमने यहां पर इसको जीरो लिखा है. इसके बाद नंबर ऑफ रूट लाई इन राइट हाफ ऑफ स्प्लीन, नंबर ऑफ रूट लाई इन राइट हाफ ऑफ स्प्लीन इज जीरो. Because there are no signs, अगर change हो रहा है तो right half of S plane पे roots कितने होंगे, 0.
तो इससे हम क्या हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि सिस्टम क्या हो गया स्टेबल, हेंस द सिस्टम इज स्टेबल. नाउ विल चेक अनदर न्यूमेरिकल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, दैट इज चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम क्यू एस, क्यू एस इक्वल टू एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस फाइव. हियर एस क्यूब इज वन, एस स्क्वायर इज अगेन वन, एस क्यूब इज थ्री एंड एस टू इज स्क्वायर इज फाइव. आई हैव डिस्कस अर्लियर दैट इज वन थ्री टू वन जीरो, वन वन थ्री एंड देन फाइव. फिर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए इस डायरेक्शन में जाना, वन मल्टीप्लाई बाय थ्री, वन मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई बाय फाइव अपॉन वन. तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो थ्री वन जो थ्री माइनस फाइव इक्वल टू माइनस टू और यहाँ से जीरो. फिर अगेन मल्टीप्लीकेशन. अब ये वाले दो टर्म देखेंगे हम, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है. इसको टर्म फिर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस फाइव माइनस माइनस वन मल्टीप्लाई बाय जीरो अपॉन जहाँ से शुरुआत की थी माइनस टू. तो ये अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए माइनस टेन डिवाइड बाई माइनस टू इक्वल टू प्लस फाइव. तो चेक करने के लिए स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में हम कौन सा कॉलम देते हैं, फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम में हमने टर्म्स कौन कौन से आए हमारे, वन वन माइनस टू फाइव, दैट इज वन वन माइनस टू माइनस फाइव. नाउ वी चेक द एनालिसिस ऑफ द सिस्टम, दैट इज नंबर ऑफ साइन चेंजेज इन फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम में कितने साइन चेंज हो रहे हैं. अब आप देखेंगे इसमें यहाँ तो सेम रह रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव. इस वाले में क्या रहेंगे, पॉजिटिव से आ रहा फिर नेगेटिव जा रहा, फिर नेगेटिव से आ रहा पॉजिटिव जा रहा. तो कितने साइन चेंज हो रहे हैं, एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है नंबर वन, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, कितने साइन चेंज हो गए आप टू. तो जितने साइन चेंजेज होते हैं उतने ही रूट्स राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करते हैं. तो नंबर ऑफ रूट इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन इक्वल टू टू. तो दो रूट्स हमारे राइट हाफ ऑफ एस प्लेन पे लाई करेंगे, ये डिटरमाइन करता. तो इससे हमने क्या डिटरमाइन किया, अगर कोई भी रूट हमारे राइट हाफ ऑफ एस प्लेन पे लाई करता है तो सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल. हेंस द सिस्टम इज अनस्टेबल. होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट. Thank you very much.